तो बच्चों एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने, और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, नॉट द चैप्टर एग्जैक्टली, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है रिलेटेड टू द चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और आप रिविजन करना चाहो तो आप उस लिंक को यूज कर सकते हो। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग का फोकस है मेनली ऑल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन से। यहां फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है HCl गैस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl बोलने से हम लोग के दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ये दिमाग में आता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, और ये गैस जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता जब तक उसको किसमें मिक्स नहीं किया जाए, वाटर में। सो दिस HCl गैस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो इस HCl गैस का क्या होता है, पानी में डिजोल्व करने से एक्वस सॉल्यूशन जब बनता है तो HCl गैस डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस हाइड्रोजन आयन इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एंड इट कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल। ये जो पानी में डिजोल्व होने के बाद जो फ्री हो गया वो पानी का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। ओके, क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन HCl गैस इज डिसॉल्व इन वाटर, तो उसका इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCl इन वाटर will form H3O plus and Cl minus, means H3O positive and Cl negative. तो यहाँ positive ion, negative ion, आप ये दोनों equation को मिला के ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ दो point हम लोगों ने discuss किया, first one HCl gas on dissolving in water liberates hydrogen ion and chloride ion, and that hydrogen ion combines with water molecule to form what, hydronium ion. So acids are those chemical compounds which on dissolving water liberates hydrogen ion or hydronium ion as the only positively charged ion. Now reaction number 3, yahan pe 3 or 4 ye dono hi displacement reaction se related hai, ye dono hi exothermic reaction hai, okay, aur ye dono acid ka special properties bhi hai. So aur bhi zyada discuss karenge hum log equation related to this property. Acid dilute acid if reacts with metal, कौन सा metal, those metals which are present above hydrogen in the reactivity series. आपको reactivity series of metals learn रहना होगा reactions और equations के बारे में थोड़ा समझने के लिए. So reactivity series of metal में जितना भी metal hydrogen का जो position है उसके ऊपर है, उससे ज्यादा reactive है, all that metal can react with dilute acid to produce what, salt and hydrogen gas, salt and hydrogen gas. तो यहां जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स व्हाट, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, हीट इज आल्सो लिबरेटेड, हीट इज आल्सो लिबरेटेड। सो जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस का बबल्स जब निकलेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जानने के लिए एक सिंपल केमिकल टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को बर्न किया जाता है, हाइड्रोजन गैस ऑन बर्निंग इट बर्न्स विद एक्सप्लोजन प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। ओके, नेक्स्ट वन, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन विल फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड विच गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहां इन दो रिएक्शन, दो इक्वेशन में स्पेशल बात क्या है कि मेटल के साथ एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट क्लोराइड बन रहा है, एसिड अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट सल्फेट बन रहा है। वैसे ही आप थोड़ा दिमाग में सेट रखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने से सॉल्ट क्लोराइड होगा उस रेस्पेक्टिव मेटल का, और सल्फ्यूरिक एसिड होने से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होने से सल्फेट होगा उस रेस्पेक्टिव मेटल का। सो वी डिस्कस फोर इक्वेशंस, फोर रिएक्शंस, यहां पे दो को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस, जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव व्हाट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, बोथ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। और उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो और रिएक्शन, दो और इक्वेशन मैग्नीशियम से रिलेटेड, मैग्नीशियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग को पता है कि अगर मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉल्ट क्लोराइड होने वाला है, तो मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 एनालॉग विद दैट हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट मेटल का क्लोराइड, एसिड अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट मेटल का सल्फेट। तो यहां पे मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, बोथ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड बोथ कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन टोटल अब तक हम लोगों ने सिक्स इक्वेशन, सिक्स रिएक्शन डिस्कस किए, नंबर सेवन और एट अगेन
they are also related to what? Displacement reaction. They are also exothermic reaction. अब आप बोलेंगे सर इतना एग्जांपल क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है कवर करना सभी रिएक्शन, सभी इक्वेशन जो चैप्टर का इंटेक्स एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी से रिलेटेड है, जहां भी मुझे इक्वेशन और रिएक्शन मिला उन सबको मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए प्लान बनाया है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि कुछ छूटा है, कुछ रह गया। तो नंबर 7 में आ जाते हैं, आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स व्हाट? आयरन 3 क्लोराइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन 3 क्लोराइड, लेकिन बहुत जगह आपको मिलेगा Fe with dilute HCl, आपको मिल सकता है FeCl2 ferrous क्लोराइड सॉल्यूशन एंड अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस। ये भी करेक्ट है, यहां भी कोई रॉन्ग नहीं है। आपको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप लिख सकते हो कि आयरन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फेरिक क्लोराइड, या फिर आयरन 3 क्लोराइड सॉल्यूशन आयरन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फेरस क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड सॉल्यूशन अलोंग विद दैट व्हिच गैस हाइड्रोजन गैस। देन एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एल्युमिनियम विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बस आपका बेसिक अगर क्लियर है कि मेटल सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट है, तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट उसी मेटल का सल्फेट बनेगा। एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन Al2SO4 होल थ्राइस अलोंग विद दैट व्हिच गैस हाइड्रोजन गैस। ये सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और 7 and 8 दे आर ऑल्सो व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम लोग एसिड का कौन सा प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे हैं? एसिड, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, प्रोड्यूसेस व्हाट? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब तक हम लोगों ने 8 रिएक्शंस एंड इक्वेशन डिस्कस किए हैं। अब नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9, अब ये प्रॉपर्टी थोड़ा बदल गया एसिड का। यहां पे पहले प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होगा? एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? एंड एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों ही केस में वी विल गेट व्हाट? सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विल गेट सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस आपको दिमाग में सेट रखना है, अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ तो सॉल्ट क्लोराइड मिलेगा, और एसिड अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सॉल्ट हम लोग को सल्फेट मिलेगा। तो यहां सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिया गया है और उसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। नंबर 9, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पता हम लोग को क्या होने वाला है कि यहां पे सॉल्ट मिलना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, वाटर मिलना है। सॉल्ट किसका? कौन सा मेटल का? सोडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक और नाम बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने से प्रोडक्ट आपको सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा, लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हो तो आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा उसका इवोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब से है वो बहुत फास्ट रैपिड इवोल्यूशन। ओके, तो उसके लिए टर्म जनरली यूज किया जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या ब्रिस्क एफरवेसेंस? इसका मतलब होता है रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, बात एक ही है, आपको बेसिक ये मेन हेडलाइन दिमाग में सेट रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मुझे पता है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड होने से सॉल्ट कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होने से सॉल्ट होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इक्वेशन लिखने से ध्यान रखना, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं हम लोग। सोडियम यहाँ 2, सोडियम 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और 4, 7, ऑक्सीजन 4 टू 6 एंड 1, 7, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ है। अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखूं तो इन दैट केस सिंपल है, एसिड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सोडियम 1, हाइड्रोजन 1 एंड 1, 2, हाइड्रोजन 2,
क्लोरीन वन कार्बन वन ऑक्सीजन 3 एंड ऑक्सीजन 2 एंड 1 3। तो यहां क्या था स्पेशल, कोई भी कार्बोनेट, आप सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इवन एमोनियम कार्बोनेट भी आप ले सकते हो। यहां मैंने मेटल कार्बोनेट लिखा है लेकिन एमोनियम कार्बोनेट तो वहां मेटल नहीं है, फिर भी आपको प्रोडक्ट सिमिलर मिलेगा। बस आपका बेसिक एक चीज का क्लियर होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड लेने से सल्फेट सॉल्ट लिखना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने से क्लोराइड सॉल्ट लिखना है। ओके, सो वी डिस्कस्ड 10 रिएक्शंस, 10 इक्वेशंस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम आप याद रखना, इट इज व्हाट, बेकिंग सोडा। नाउ नंबर 11, ये स्पेशल, ये दोनों ही स्पेशल रिएक्शन है, आप इनको कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल टेस्ट भी बोल सकते हो। ओके, आपको बहुत बार मिला होगा ये दोनों रिएक्शन, फर्स्ट वाला तो स्पेशली मिला ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइंग वाटर, अब ये लाइंग वाटर क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, लाइंग वाटर। लाइंग वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइंग वाटर से पास करे तो लाइंग वाटर मिल्की हो जाता है, सुना आपने, लाइंग वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। अब ये लाइंग वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो पूरा मिक्सचर को व्हाइट बना देता है, कर्डी व्हाइट, कर्ड के जैसे व्हाइट, और साथ में क्या मिल रहा है आपको, वाटर। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइंग वाटर टर्न्स लाइंग वाटर मिल्की। लेकिन यहां एक और स्पेशल बात कि आप अगर ये जो मिल्की मिक्सचर बना है, ये जो मिल्की मिक्सचर बना है, मिल्की मिक्सचर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का जो मिल्की मिक्सचर, उसमें अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करना रोको मत, कंटिन्यूअसली पास करते जाओ। मिल्की मिक्सचर बन गया फिर भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहो, आफ्टर सम टाइम मिल्कीनेस विल डिसअपीयर, आपको वापस क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि वो जो मिल्की मिक्सचर था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से था, वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि पानी में सोल्यूबल है, जो कि पानी में सोल्यूबल है। तो क्या समझे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइंग वाटर से पास किया जाए, लाइंग वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की, और अगर उसमें से हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा। और मिल्कीनेस डिसअपीयर होने के पीछे क्या केमिस्ट्री है, मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों होगा, क्योंकि एक सोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाएगा, वो सोल्यूबल प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हम लोग, एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ बेसिक एक बार और सेट कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइंग वाटर टर्न्स लाइंग वाटर मिल्की, एंड दैट मिल्कीनेस इज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इफ यू पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दैट मिल्की मिक्सचर, अगर उस मिल्की मिक्सचर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाए तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा। ये मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों हो जाता है, मिल्कीनेस विल बी डिसअपीयर्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्युबल प्रोडक्ट, नाम क्या है उसका, दैट सॉल्युबल प्रोडक्ट इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आल्सो कॉल्ड व्हाट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको पूछा जाए केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, आप उन दोनों रिएक्शन और इक्वेशन को यूज कर सकते हो। नाउ नंबर 13, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहां एसिड का एक स्पेशल प्रॉपर्टी का बात हो रहा है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि यहां बेस अपना बेसिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, और यहां जो प्रोडक्ट बना है वो न्यूट्रल। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक प्रॉपर्टी के पीछे रीजन क्या है, क्या बनना, हाइड्रोक्साइड आयन बनना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो नेगेटिव आयन हमेशा कौन सा मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, इफ अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। अगर बेस पानी में डिसॉल्व होता और आपने डिसॉल्व किया तो वो बेस डिसोसिएट होके नेगेटिव आयन हमेशा कौन सा बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन यहां एक इश्यू है कि ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ओके, ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल बेसिस इन वाटर लिबरेट्स हाइड्रोक्साइड आयन एंड वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, आर कॉल्ड व्हाट, एल्कलीज। आपने वो एक पॉइंट, एक सेंटेंस सुना ही होगा कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। पॉइंट नंबर 13 क्या था, पॉइंट नंबर 13 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में था,
acid with base gives what? Salt and water. Now point number 15, ये भी neutralization reaction. Sodium hydroxide के जगह पे हम लोगों ने क्या लिया? Potassium hydroxide. Potassium hydroxide with HCl will give what? Potassium chloride and water. देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन मिल रहा है, एसिड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट आपको क्लोराइड मिल रहा है. क्या मिल रहा है? क्लोराइड. एक और उसी टाइप का रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे इस बार मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, दैट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर. और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है. मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, पहले हम लोगों ने डायरेक्ट बेस लिया था, इस बार मेटल का ऑक्साइड ले रहे हैं. मेटल ऑक्साइड्स आर बेस. तो मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. एक स्पेशल रिएक्शन एक्टिविटी से बेस्ड है इसी चैप्टर से, कि व्हेन कॉपर टू ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स व्हाट? कॉपर क्लोराइड. आप कॉपर, आयरन, ओके, लेड, ये सब का रिएक्शन में थोड़ा वैलेंसी का ध्यान देना, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट से क्या प्रोडक्ट लिखना है थोड़ा याद रखना होगा आपको. तो यहाँ कॉपर टू क्लोराइड जो कि एक ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को, और साथ में वाटर. तो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक है, दैट विल टर्न इनटू व्हाट? ब्लूइश ग्रीन सब्सटेंस, ब्लूइश ग्रीन केमिकल, दैट इज व्हाट? कॉपर टू क्लोराइड. सो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर टू क्लोराइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कॉपर टू क्लोराइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म व्हाट? कॉपर क्लोराइड एंड वाटर. सो वी डिस्कस टिल नाउ 16 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 17 ऑनवर्ड्स. तो अब तक 16 डिस्कस किया हम लोगों ने, नंबर 17 देख लेते हैं. यहाँ पे बेस का प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेस जो है, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? वैसे तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, एंड मेटल लाइक जिंक रिएक्ट्स विद बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म व्हाट? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. सो बेस प्लस मेटल विल गिव व्हाट? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम जिंकेट. फॉर्मूला ध्यान रखो यहाँ पे, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZnO2, साथ में कौन सा गैस? साथ में हाइड्रोजन गैस. यहाँ भी जिस वेसल में रिएक्शन होगा टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. फिर ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और स्पेशली ये एग शेल वाला क्वेश्चन आपको अगर याद हो, ये एग का जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है. मार्बल हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कैल्शियम कार्बोनेट, यहां जिंक है गलती से, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, सो इट इज व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी कार्बोनेट, एनी कार्बोनेट, एनी हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यू विल गेट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो यहां भी वही प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन ये रिएक्शन डिस्कस करने के पीछे मेन रीजन ये याद दिलाना आपको कि ये जो एग शेल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स ए कलरलेस गैस, वो कलरलेस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में लास्ट पार्ट में आपको मिला होगा कुछ स्पेशल कंपाउंड, और उन स्पेशल कंपाउंड में से एक कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक और नाम है कॉस्टिक सोडा. ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? कॉस्टिक सोडा. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए हम लोगों को ब्राइन. अब आप पूछोगे ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर. सो वॉट इज ब्राइन? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड व्हाट? ब्राइन. और ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से, हम लोगों को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ फॉर्म हो रहा है? एनॉड या कैथोड के पास में. ये एनॉड, ये कैथोड. ओके, कैथोड के यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग. और कैथोड के यहीं पे कौन सा गैस बन रहा है? हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं. एनॉड के वहां कौन सा गैस लिबरेट होगा? क्लोरीन गैस, जो यहाँ से बाहर आ सकता है. और फ्रेश ब्राइन यहाँ से कंटिन्यूअसली एंटर करते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे. वी विल गेट थ्री प्रोडक्ट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. सो इफ इट इज आस्क्ड व्हाट हैपेंस व्हेन ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, when brine is electrolyzed it will produce three products.
ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से तीन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दे आर लिबरेटेड नियर कैथोड, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड नियर एनोड. एंड व्हाट इज ब्राइन, वी हैव डिस्कस्ड. ब्राइन इज कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर. नंबर 20 बात करते हैं, ये एक कंपाउंड से रिलेटेड कंपाउंड का नाम है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला है CaOCl2. क्या आप जानते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर ब्लीचिंग पाउडर? केमिकल नेम फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट इज व्हाट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर. एंड ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइन. आपको चाहिए स्लेक लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी ड्राई फॉर्म में आपको पास करना है क्लोरीन गैस. यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्हिच इज ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर विल बी सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर. सो व्हाट, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइन. प्रोडक्ट CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर. लेकिन इसी ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम लोग एक्सपोज कर दें एयर में, ऑन एक्सपोजर टू एयर इसका प्रॉपर्टीज लूज हो जाता है. ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग करना, ओके? और ये ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरीन. जो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग. तो आप अगर इसको ब्लीचिंग पाउडर को एयर में एक्सपोज कर देते हो, धीरे धीरे ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो क्लोरीन गैस है वो क्लोरीन गैस सेपरेट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा. तो ब्लीचिंग पाउडर से अगर क्लोरीन ही चला गया तो ब्लीचिंग का जो प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर का वो भी लूज हो जाएगा. तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए. सो व्हेन एक्सपोज टू एयर ब्लीचिंग पाउडर डिटोरिएट्स गिविंग ऑफ व्हाट? क्लोरीन गैस. एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर प्रोड्यूसेस व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस. कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस. सो क्या सीखा हम लोगों ने? ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइन. और ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप एक्सपोज करो एयर में, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, विल लिबरेट क्लोरीन गैस. एक और प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. सो टिल नाउ 21 इक्वेशंस, 21 रिएक्शंस वी हैव डिस्कस्ड. अब बात कर लेते हैं नंबर 22 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा. यहाँ एक और केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शन है बेकिंग सोडा. सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा को बेकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, डो में मिक्स किया जाता है केक बनाने के लिए. और बेकिंग सोडा जो है उसको अगर हीट किया जाए यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट वाटर. और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रेड और केक को सॉफ्ट फ्लफी स्पंजी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So when baking soda is heated, it produces sodium carbonate, carbon dioxide and water. और sodium hydrogen carbonate baking soda को पकोड़ा, tasty crispy पकोड़ा बनाने के लिए भी use किया जाता है. So baking soda on heating gives sodium carbonate, carbon dioxide and water. और इसी baking soda को, sodium hydrogen carbonate को soda acid type fire extinguisher में भी use किया जाता है. We know that carbon dioxide के बारे में हम लोग जानते हैं कि carbon dioxide gas is having the property of extinguishing what? Fire. So soda acid fire extinguisher में soda जो है sodium carbonate भी लिया जाता है, sodium hydrogen carbonate भी लिया जाता है. दोनों का case में acid के साथ reaction होने से carbon dioxide gas produce होगा. तो sodium carbonate भी ले सकते हैं आप soda acid fire extinguisher में sodium hydrogen carbonate, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी carbonate, कोई भी hydrogen carbonate अगर acid के साथ react किया तो तीन product हम लोग को मिलेगा, salt, water and carbon dioxide. So sodium hydrogen carbonate reacts with sulfuric acid. जो soda acid fire extinguisher में baking soda reacts with sulfuric acid gives what? Sodium sulfate carbon dioxide and water. Sodium sulfate carbon dioxide and water जो fire extinguisher होते हैं उनमें baking soda का powder और एक glass case में acid रखा जाता है. जब आप press करते हो उसमें जो button वगैरह है तो press करने से अंदर जो glass का vessel है वो break हो जाएगा, एसिड और बेकिंग सोडा मिक्स हो जाएगा. देयर विल बी रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड और यही कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? एक्सटिंग्विशिंग फायर. नंबर 24, नंबर 24, 25, 26 रिलेटेड है. वैसे ये तीनों रिएक्शन मिलकर हम लोग बात करेंगे अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा
वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट. ओके, तो ये सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट प्रिपेयर करने के लिए आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए. और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा आप कैसे प्रिपेयर करोगे? बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनेगा. सो हाउ इज बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चर्ड? अब तक हम लोगों ने हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड, सिंपल में अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, हम मैंने बात किया हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर्ड, ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइन. अब हम लोग बात करेंगे हाउ इज बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चर्ड. ये वाला पॉइंट जो है बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो इसके लिए क्या करना है आपको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर करने के लिए लैब में क्या करना है? यू नीड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. आपको ब्राइन चाहिए. आपको क्या चाहिए? ब्राइन. और उस ब्राइन में से अमोनिया पास करेंगे. ब्राइन में से अमोनिया पास करेंगे. ब्राइन में से जब अमोनिया पास करेंगे और इतना ज्यादा पास करेंगे कि वो सेचुरेटेड हो जाए, किससे? अमोनिया से. तो अब हम लोग के पास होगा अमोनिकल ब्राइन, फिर उसमें पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो ब्राइन अमोनिकल ब्राइन इज टेकन, देन व्हिच गैस इज पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास. तो क्या मिलेगा हम लोग को? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. हम लोग को क्या चाहिए था? हम लोग को बेकिंग सोडा चाहिए था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए था, लेकिन साथ में एक और प्रोडक्ट मिलेगा अमोनियम क्लोराइड. क्या आप जानते हो अमोनियम क्लोराइड इंडस्ट्री में कहां यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर व्हाट? फर्टिलाइजर्स. ओके, इट इज यूज्ड इन मेकिंग व्हाट? फर्टिलाइजर. सो हाउ इज बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चर्ड? बेकिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग अमोनिया गैस थ्रू ब्राइन टू मेक इट अमोनिकल ब्राइन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अमोनिकल ब्राइन. यू विल गेट व्हाट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. एंड ऑन हीटिंग, ये रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने कि ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिला है उसको पानी में मिक्स करके अगर रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाए, यू विल गेट व्हाट? वॉशिंग सोडा. आपको सोडियम कार्बोनेट मिल गया. सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिक्स करके कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर बना के, सॉल्यूशन बना के उसको रिक्रिस्टलाइज करने से सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाएगा. 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, हर एक यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड यू विल गेट व्हाट? सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा. ऑल्सो नोन एज व्हाट? वॉशिंग सोडा. तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंपाउंड के ऊपर फोकस किया है. एक का प्रिपरेशन पहले बात किया है बेकिंग सोडा, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट वॉशिंग सोडा. अब ये वॉशिंग सोडा से रिलेटेड दो रिएक्शन है. यहाँ पे पहले में ये बताया गया है कि वॉशिंग सोडा जो है अगर उसको एयर में एक्सपोज किया जाए तो क्या होगा, वॉशिंग सोडा जो है उसको अगर हीट किया जाए तो क्या होगा. सो व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन एयर, दे लूज 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो यहाँ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से 9 लूज हो गया, बचा कितना? 1 सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडा एश भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सोडा एश. सो इफ आई आस्क यू व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा इज एक्सपोज टू एयर, व्हेन वॉशिंग सोडा इज एक्सपोज टू एयर, ईच यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा लूजेस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स व्हाट? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट. लेकिन अगर आप हीट करो इसको कितना टेम्परेचर तक? अबव 373 केल्विन. तो उस केस में क्या होगा? आप अगर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट करो, इट विल लूज ऑल द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. किसी सॉल्ट के साथ अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, यहां जैसे दिखाया हुआ ऐसा सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर लूज कर देते हैं ऑन हीटिंग और किसी भी प्रोसेस से, तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो सॉल्ट बनता है, उसको विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर होगा, वी विल यूज द टर्म एनहाइड्रस. ओके, तो यहाँ दो पॉइंट क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि वॉशिंग सोडा को एयर में एक्सपोज करने से क्या होगा, वॉशिंग सोडा को हीट करने से क्या होगा. टोटल नंबर अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया 27. नाउ नंबर 28, और इस वीडियो के लिए मैंने 29th को लास्ट इक्वेशन रखा है. और भी रिसर्च किया जाएगा, और भी इससे रिलेटेड कोई भी रिएक्शन एंड इक्वेशन मिला तो फ्यूचर में और भी वीडियो बनाएंगे हम लोग उन सबको एड करते हुए. नंबर 28 प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड है. प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज CaSO4.5H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम. जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एट 373 केल्विन इन अ किल्न. एक फर्नेस में ये हीटिंग होगा. और किसको हीट किया जाएगा? जिप्सम को हीट करना है कितना टेम्परेचर पे? 373
3 Kelvin, you will get what? Plaster of Paris, calcium sulfate hemihydrate. And this is 1.5 molecules of water here. Then number 29, when mixed with water, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हुए पानी में मिलाया जाता है और पानी में मिलने के बाद धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देने से धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जिप्सम। ये पाउडरी सब्सटेंस और ये हार्ड सॉलिड है। तो when mixed with water, it forms a paste which sets into hard mass. And this is called what? Setting of plaster of Paris. जैसे सीमेंट, सीमेंट में जैसे आप पानी मिला देने से after some time it becomes solid hard, वैसे ही plaster of Paris का property है. Plaster of Paris, it takes some time for setting. And the setting of plaster of Paris is due to hydration into gypsum. मतलब plaster of Paris hydrate होके क्या बन जाता है? Gypsum बन जाता है. तो gypsum is calcium sulfate dihydrate, CaSO4.5H2O. Plaster of Paris में जो half H2O लिखा जाता है वो क्यों लिखा जाता है? कि एक्चुअल में 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो जब आप CaSO4 लिखोगे एक यूनिट के साथ आपको लिखना होगा हाफ H2O। सो वी डिस्कस 29 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या बोल, मैंने सभी डिस्कस किया है एक्चुअल में, ऑल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम द चैप्टर। और ये वीडियो आपके काम आएगा कंप्लीट रिविजन के लिए। आपको ये डाउट मेरे कुछ छूटा है, क्या रह गया, ये छूट गया, ये तो नहीं रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको भी आपको लगता है इन रिएक्शंस और इक्वेशंस का रिवीजन से फायदा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग डिस्कस